नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग हब। दोस्तों जैसा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो कॉइन बेस्ड क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन बनाया था जो डिफरेंट प्रकार का था, ये डिफरेंट प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, रुपया जो टोटल वैल्यू ना देकर के यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 340 कॉइन है और इन 340 कॉइन का जो टाइप है, 1 रुपया का है, 50 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन है। और इसका जो वैल्यू है, इस इन कॉइन का जो 1 रुपया का कॉइन है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 5:4:1 का। यानी 1 रुपया का जो वैल्यू है, ये वैल्यू 5 के रेशियो में है और ये 50 पैसे का जो है 4 के रेशियो में है और 25 पैसे का 1 के रेशियो में है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा कि नंबर ऑफ कॉइन कितने होंगे, यानी जो 1 रुपया का सिक्का है कितने सिक्के हैं, 50 पैसे का सिक्का कितना है, 25 पैसे का सिक्का कितना। डेफिनेटली जो 340 कॉइन होंगे, ये जो 340 कॉइन है, तो 340 कॉइन कोई ना कोई तरह तरह के सिक्के होंगे। तो ये 3 तरह के सिक्के हैं, इन 3 तरह में जो सिक्के के वैल्यू होगी, 1 रुपया का सिक्का कुछ तो होगा ना, 340 सिक्के में 1 रुपया का कुछ वैल्यू होगा, 50 पैसे का कुछ वैल्यू होगा, 25 पैसे का वैल्यू होगा, तो उसका वैल्यू ये दिया हुआ। और कॉइन पूछा जा रहा कि 1 रुपया वाला कितना कॉइन है, ये कितना कॉइन है, 25 पैसे वाला कितना कॉइन है, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों मैं बस आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब मैं पहले बताऊंगा आपको कि कैसे बनाना है, उसके बाद मैं इसका फंडा समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले बनाना कैसे है ये देखिए। बनाने के लिए सिंपल 10 सेकंड के अंदर में ये क्वेश्चन बना देंगे आप एग्जाम में। देखिए कैसे बनाएंगे, पहले मैं जो बोलता हूं उतना ध्यान रखिए। ये 1 रुपया का कॉइन है, ठीक है, वैल्यू 5 है, कितने सिक्के यूनिट में होना चाहिए, 5 यूनिट सिक्के होंगे तभी तो 5 रुपया होगा। ये 50 पैसे के हैं, 4 रुपया के वैल्यू के बराबर है, तो कितने सिक्के होने चाहिए, 8 सिक्के होने चाहिए, 8 सिक्के होंगे तभी तो 4 रुपया के बराबर होंगे। ये 25 पैसे का सिक्का है और 1 रुपया इसका वैल्यू है, तो कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के होंगे, तो कितना यूनिट निकल गया, ये रेशियो में दिया हुआ था, ठीक है, ये रेशियो में, ठीक है। और ये हम यूनिट निकाल लिए कि एक इतने यूनिट में होंगे सिक्के। अब देखिए हमें यहाँ क्या दिया हुआ, 340 सिक्के टोटल है। तो अगर ये 5, 8, ये देखिए कॉइन और कॉइन ही इक्वेट हो सकते हैं, वैल्यू नहीं, हम ये नहीं कर सकते 5, 4, 1, ये 5+4+1 नहीं कर सकते 340 के बराबर, ये गलत है। कॉइन इक्वल टू कॉइन हो सकता है, तो हमने यहाँ कॉइन निकाला 5+8+4, ये आप कर सकते हैं इक्वेट 340 सिक्कों से, क्योंकि ये भी कॉइन है और ये भी कॉइन है, ठीक है। बट ये जो रेशियो में हमारा था यूनिट बेस्ड, तो ये 5, 8, 13, 4, 17 यूनिट हो गया, 17 यूनिट जो है 340 के बराबर है, तो एक यूनिट कितना होगा, ये 20 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो देखिए एक यूनिट जब 20 के बराबर हो रहा, तो हमारा कितना कितना 5 कॉइन है, ठीक है, 5 कॉइन है ये जो मैंने निकाला ना, 1 यूनिट 20 के बराबर है यहाँ पे, तो ये कॉइन जो 5 यूनिट यानी 5 की कॉइन निकाला मैंने, तो एक कॉइन इक्वल टू 20 रुपये के 20 कॉइन के बराबर है, यानी 20 रुपये के बराबर है, इसको जो समझना समझिए। तो ये 5 करेंगे तो हम यहाँ पे निकालेंगे 100 कॉइन होंगे हमारे, एक यूनिट कॉइन जो 20 यूनिट कॉइन के बराबर है। यहाँ पे थोड़ा सा आप यूनिट और कॉइन के बीच में कंफ्यूज मत होइए, ये बस बताने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है। आपको पंडित थोड़े ना बनना है, एग्जाम में SSC निकालना है, तो SSC निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो 20, 25, 100 हो गया, 100 कॉइन के बराबर हो गया, 1 रुपया वाला 100 कॉइन के बराबर हो गया। और ये 8 जो है तो कितना हो जाएगा, 160 कॉइन के बराबर हो जाएगा, और ये 20 चौके 80 कॉइन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो पूछा था कि कौन 1 रुपया वाला कितना है, 50 पैसे वाला कितना, 25 पैसे वाला कितना है, तो 1 रुपया वाला 100 है और 50 पैसे वाला 160 कॉइन है और 25 पैसे वाला 80 कॉइन है, तो बस यही निकालना था, ये हमारा निकल गया। और एग्ज़ाम में आपको कुछ इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, 5 जो वैल्यू है 5:4:1 दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ कॉइन्स का
यूनिट निकाल दीजिएगा और कॉइन कॉइन इक्वेट करके एक यूनिट कॉइन का वैल्यू जितना निकलेगा बस कॉइन से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 100 कॉइन 160 कॉइन 80 कॉइन आंसर आ गया यहाँ पे। तो इसी को बनाना है, बस इसी तरह बनता है क्वेश्चन। चाहे आप अगर आपको पसंद नहीं आ रहा हो, अगर ये कन्फ्यूज हो रहा है इसमें, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं हो सकता हूँ कोई दूसरे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा और या फिर दूसरा क्वेश्चन लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब तक आप बताएंगे नहीं कमेंट बॉक्स में कि समझ में आया कि नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा आप समझ में आ रहा। मैं तो वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका फीडबैक जरूरी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फीडबैक दीजिए ताकि मैं इसको और दूसरे ढंग से, इसको मैं दूसरे ढंग से भी बता सकता हूँ, तो बस आपके कमेंट का इंतजार करता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।